नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, केवड़िया कॉलोनी के जवाहर नवोदय विद्यालय में वार्षिक निरीक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र और पुणे से आए अधिकारियों ने स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद थी। पाठशाला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदा जिला पंचायत आरोग्य समिति के दिनेश भाई तड़वी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बारे में हमारे संवाददाता से जवाहर नवोदय के प्रिंसिपल शेफाली सिंह ने बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम दाई व्यास की एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति नवोदय विद्यालय समिति के नियमानुसार इस वर्ष भी जवाहर नवोदय विद्यालय जिला नर्मदा का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से डॉक्टर सतीश कुमार और नवोदय विद्यालय पंचमहल के प्रिंसिपल डीएस थूल सर और नवोदय विद्यालय दाहोद की प्रिंसिपल मैडम श्रीमती सुमन लता यादव मैडम यहाँ उपस्थित हुई है। और ये दो दिवसीय निरीक्षण कार्य है, जिसके अंतर्गत विद्यालय की समस्त गतिविधियों का निरीक्षण किया जाता है। इसी निरीक्षण के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि और विद्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन सारे चीज़ों का ये निरीक्षण करते हैं। उसी कार्य के दौरान विद्यार्थियों की जो दिन भर की गतिविधियाँ हैं, उनकी सुरक्षा संबंधी, हाउस सिस्टम, इन सब पे गौर किया जाता है। उसी के साथ साथ में वे हमें बहुत महत्वपूर्ण अपने एक दिशा निर्देश भी देखे जाते हैं, जिससे कि विद्यालय के प्राचार्य के साथ साथ विद्यालय के स्टाफ भी उनके निर्देश, उनके गाइडलाइन, मार्गदर्शन जो भी वो देते हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, जिससे शनिश्चर हमारे कार्य में गुणवत्तायुक्त सुधार होता है और हम उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो समाज और शहर से ताल्लुक रखती है, तो आप वह खबर हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल के द्वारा। हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे और समाज और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का हिस्सा बनेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।